गाड़ी के टूटे शीशे, गाड़ी के अंदर खून, चारों तरफ पुलिस का घेरा। पुलिस पड़ताल में जुटी है। मामला बारादरी थाना क्षेत्र में शहर के नामचीन डॉक्टर केशव कुमार पर हमले का है, जहां शनिवार रात को मंदिर से घर वापस जाते समय बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर सनसनी फैला दी। गोली डॉक्टर केशव के जबड़े में लगी, इसके बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। एक डॉक्टर केशव अग्रवाल जी हैं और ये अपनी गाड़ी से मंदिर दर्शन करके वापस आ रहे थे, तो गाड़ी के बगल से किन्हीं अज्ञात लोगों ने, जैसा बताया गया, कि इनके ऊपर फायर किया जान से मारने की नीयत से, और ये यहाँ पे उपचार के लिए अपने ही जो अस्पताल इनका है वहाँ पे आए हैं, और इनकी हालत जो है खतरे से बाहर है, और इनके मुंह में जो है वो गोली लगते हुए बाहर आ गई है। पुलिस के द्वारा इसमें तहरीर अभी परिजनों से प्राप्त की जा रही है, उनके द्वारा कुछ कारण बताए गए हैं और उन कारणों का भी विश्लेषण किया जा रहा है और जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। तो ये पहली घटना यहाँ पे जो है डॉक्टर संजय अग्रवाल, जो केशव अग्रवाल जी, उनके साथ ही हुई है। डॉक्टर के घायल होने के बाद स्थानीय लोग आगे आए और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद डॉक्टर केशव को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता लगा पाए कि हमलावर कौन थे और किस वजह से डॉक्टर पर फायरिंग की। बता दें कि डॉक्टर केशव रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और अमृत विचार अखबार के मालिक भी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज़ नवदीप टुडे पर हर रोज़।